उत्तरी इसराइल में लेबनान के हिजबुल्ला ने वो कोहराम मचा रखा है जिसके बारे में इसराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हिजबुल्ला इस इलाके में चुन चुन कर इसराइली सैन्य चौकियों और उनके अड्डों पर ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और गोला बारूद बरसा रहा है, जिनकी आग में उत्तरी इसराइल सुलग रहा है। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे हिजबुल्ला के हमले और भी ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। और हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच ये तनाव कभी भी पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। लेकिन इस सब के बीच इजरायली सेना भी हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देने के लिए मोर्चेबंदी में लगी हुई है। इजरायल के फाइटर जेट्स लगातार दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने एक बार फिर से इजरायल की कई सैन्य चौकियों को अपने हमलों से दहला कर रख दिया है। और तो और नौबत ये तक आ गई है कि हिजबुल्ला के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली जेट्स के खिलाफ मिसाइलें तक फायर कर दी हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ये इस तरह की दूसरी घटना है जब हिजबुल्ला के एयर डिफेंस ने इजरायली जेट्स को खदेड़ा हो। इस हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली जेट्स पर मिसाइलें तब दागी जब उसने दक्षिणी लेबनान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए उसमें घुसपैठ की। और जैसे ही ये मिसाइलें आईडीएफ के जेट पर दागी गई, वैसे ही ये जेट दुम दबाकर वापस उत्तरी इसराइल के हवाई क्षेत्र में भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस दौरान हिजबुल्ला का एक 23 साल का लड़ाका भी युद्ध में मारा गया है, जिसकी घोषणा हिजबुल्ला ने खुद की है। हिजबुल्ला का कहना है कि इस लड़ाई में अब्दुल्ला मोहम्मद फाकी की मौत हो गई है। हालांकि इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक वीडियो जरूर रिलीज किया है जो पिछले हफ्ते का बताया जा रहा है। हिजबुल्ला का कहना है कि ये वीडियो पिछले हफ्ते किए गए ड्रोन हमले का है जिसने इसराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम को लेबनानी बॉर्डर के पास निशाना बनाया था। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक ड्रोन हवा में उड़ता हुआ आईडीएफ की एक चौकी की तरफ बढ़ रहा है और यहां तैनात एक डिफेंस सिस्टम के ऊपर आकर फट जाता है। आपको ये भी बता दें कि 25 जुलाई 2024 को हिजबुल्ला ने हनीता मिलिट्री साइट पर भी एक हमले का दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इसराइल के मिनारा सेटलमेंट्स पर भी कई राउंड गोला बारूद दागा है। और इस हमले के इतर हिजबुल्ला ने शतुला सेटलमेंट में एक बिल्डिंग पर हमला किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि इस बिल्डिंग में इजरायली सैनिकों ने पनाह ले रखी थी। और हिजबुल्ला ने इस हमले के साथ ही नावे जीव सेटलमेंट में 288वीं ब्रिगेड की 411वीं बटालियन के आर्टिलरी बेस पर एक तरफा ड्रोन का जत्था भी फायर किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस सेटलमेंट को अपनी टारगेट लिस्ट में हाल ही में शामिल किया था और इस बेस पर हमला एकदम सटीक रहा है जिसमें आईडीएफ को भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है।